हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज एक टॉपिक तो पुराना ही, क्योंकि ऐसा चैप्टर बीएसटी में भी है और ईपीएस में भी है। तो ये बिजनेस स्टडीज़ का लेसन नंबर 4 हमें बनाने जा रहा हूँ वीडियो, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब नियोजन से है। यह सेम आपको ईपीएस में भी मिलेगा, यह चैप्टर टैली करता है। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, कमेंट नहीं करते कमेंट कीजिए। एक दो बच्चा कमेंट करता है, बाकी लोग कमेंट नहीं करते हैं, निश्चित कमेंट कीजिए। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो मिले। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइबर को तो नहीं बढ़ना है, आप लोग शेयर भी जरूर करें अपने साइड से। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। कुछ क्वेश्चन आपको पहले लिखा देते हैं और कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे जो बाद में लिखाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूँ, पहले उसको अपना बुक निकालिए, टिक मार लीजिए या नहीं तो लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है ये हम पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन, और चूंकि इस चैप्टर में है और बीएसटी उस चैप्टर में था, एपीएस में फिर से बताना मेरा काम है, इसलिए मैं फिर से बताऊँगा। क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? ये प्लान इज द ट्रैप द कैप्चर और फ्यूचर, यह कथन आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम दोबारा फिर नहीं बताते हैं। ये कथन किसका है जो खोज लीजिएगा, माने नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ठीक है। ये हम मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, इसे इसको छोड़ते हैं। आगे जॉर्ज अटेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार होते हैं? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज अटेरी टाइप्स ऑफ प्लानिंग, इसका आंसर 4 प्रकार का है। और नियोजन एक गुड प्लान इज, मैंने एक अच्छी नियोजन कैसी होती है, जैसे खर्चीली है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंजम्पशन है, मैं समय लेने वाला है, लोचपूर्ण है या संकीर्ण है, राइज है, तो इसका आंसर है लोचपूर्ण है। अच्छी प्लानिंग होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इस क्वेश्चन से नियोजन होता है अल्पकालीन शॉर्टकालीन, मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिडिल टर्म, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ये 4-5 ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया उसको देख लीजिएगा। और जहाँ तक क्वेश्चन का बात है, जो लिखने वाला क्वेश्चन है, कॉपी निकाले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखे रहिए और काम देगा। पहला क्वेश्चन है, नियोजन है, व्हाट इज प्लानिंग, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है। या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक राइटर लिखिएगा और कुछ अपने मन से लिखिएगा, मतलब जैसे 2 नंबर से 3-4 नंबर जाएगा तो 2-3 राइटर का डिफिनेशन जरूर लिखिएगा, मत 2 ही नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा नंबर क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन है, और नियोजन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन के महत्व क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, नियोजन के महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इस सारे बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। नियोजन की कोई 6 सीमाएं बताइए, राइट एनी 6 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, राइट एनी 6 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई के बराबर आता है, योजनाओं के एक प्रकार के रूप में उद्देश्यों को समझाएं, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ द प्लानिंग, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एज ए टाइप ऑफ प्लानिंग, ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछेगा आपको, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन जो सीबीएसई में 2 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है नियोजन की कोई 2 विशेषता बताइए, एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो इसको देख लेंगे 2-3 जो होगा सर, सीमाएं लिमिटेशन बता ही देते, लिमिटेशन जब पूरा लिख लीजिएगा तो 2 लिमिटेशन पूछेगा तो आप लिख ही लेंगे। एक क्वेश्चन है, नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएँ लक्षण या प्रकृति को समझाएं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर फीचर ऑफ द प्लानिंग। चलिए क्वेश्चन आप समझ गए होइएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन बोले हैं उसको चलेंगे, एक आध दो क्वेश्चन बचेगा उसके बाद में जो डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग डिफिनेशन को रिमूव करते हैं और देखते हैं कि नियोजन है क्या। आप पहले बढ़िया समझ, प्लानिंग के बारे में क्या कहता है, प्लानिंग जो फ्यूचर में आपको कुछ करना है ना, उसके बारे में पहले से उसका रूपरेखा बनाना, तैयार करना, यही प्लानिंग है। मैंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है आदि का निर्धारण जो है वो क्या आपका प्लानिंग है, ठीक है। अब समझ गए प्लानिंग के बारे में। एक राइटर है, उनका नाम है उर्विक, क्या नाम है, उर्विक, उर्विक ने लिखा है कि नियोजन मूल रूप से कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करने, कार्य को करने से पहले उस पर मनन करने तथा कार्यों का अनुमानों की तुलना में तथ्यों के आधार पर करने का और करने का प्राथमिक रूप से मानसिक चिंतन है। याद रखिए उर्विक ने सबसे पहले जो है इसको मानसिक चिंतन यानी मेंटल एक्सरसाइज का नाम दिया है। पागल आदमी प्लान नहीं बना सकता, प्लानिंग वही बनाएगा जिसके पास दिमाग ठीक हो। यानी कह सकते हैं नियोजन का अभिप्राय कुछ करने से पहले विचार करना है, नहीं, कुछ करने से पहले सोच विचार करना क्या आपको प्लानिंग है।
चलिए ये हो गया। यानी निष्कर्ष के रूप में आप क्या कहेंगे, नियोजन एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। और चूंकि आपको एक से ज़्यादा नंबर का लिखना है, दो से तीन का है, तो एक दो राइटर का डिफिनेशन जरूर लिखना होगा। चलिए एक और सुना देते हैं आपको ताकि आपको याद रहे। एक राइटर है विलियम एच न्यूमैन, क्या नाम है, विलियम एच न्यूमैन, याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिए कॉपी पे ताकि आप भूलेंगे। इसका इन्होंने कहा सामान्यतः भविष्य में क्या करना है उसे पहले से तय करना ही नियोजन कहलाता है। किताब में थोड़ा सा एरर है, नियोजन किताब में लिखा हुआ है, बुक में भविष्य में क्या करता है, करता नहीं लिखा, परिभाषा भविष्य में क्या करना है उसे पहले तय करना ही नियोजन है। कुंटा जो डोनेल कहता है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्य करने के मार्ग का सचेत निर्धारण है, निर्णय और उद्देश्य तथ्यों का विचार निर्धारित करना और इनके तथ्यों पर ये आधारित है। चलिए तो ये डिफिनेशन राइटर्स का है, आपके पास जो भी राइटर का बुक हो उसका कोई दो जो छोटा छोटा हो देख के लिख लीजिए ताकि आपको याद करने ज़्यादा परेशानी नहीं हो। आइए पहला जो टॉपिक था नियोजन से आप क्या समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वह क्वेश्चन है नियोजन की सीमाओं या विशेषताओं को बताएं। नहीं, आइए हम बात करें नियोजन की सीमाएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोजन या फीचर ऑफ प्लानिंग। तो आइए प्लानिंग के फीचर्स के बारे में समझते हैं। पहला डिफिनिट ऑब्जेक्ट एंड गोल्स, मतलब होता है निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य। देखिए जब भी आप कुछ प्लानिंग बनाते हैं तो उसके लिए पहले से हम लोग कोई गोल्स तैयार करते हैं, ऐसा नहीं कि हवा में कोई काम होता है। पता है नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, अतः प्रत्येक नियोजन इस प्रकार लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखकर और उसी के अनुसार काम किया जाता है, समझ गए। दूसरा है पूर्वानुमान लगाना, फॉरकास्टिंग। नियोजन जो है प्लानिंग जो है बेस्ड करता है फॉरकास्टिंग पे, यानी कहता है क्वेश्चन में कि नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वो अल्पकालीन हो यानी शॉर्ट टर्म के लिए हो, मिडिल टर्म मध्यकालीन, या लॉन्ग टर्म लंबे समय पर हो समय के लिए हो, विशिष्ट इसका सिंथेटिक विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर अनुमान के आधार पर आगे की पंचवर्षीय दस वर्षीय आदि योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाता है। यानी पॉइंट नंबर टू क्या हो गया, फॉरकास्टिंग, जिसका हिंदी हो गया पूर्वानुमान। थर्ड पॉइंट है विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। एक बार में एक काम के पीछे आपके लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, इस काम को मैं अल्टरनेट विधि से भी आप कर सकते हैं, मगर उसमें क्या होता है जो नियरेस्ट और सबसे अच्छा विकल्प होता है उसी का चयन किया जाता है। इसीलिए कहा कि नियोजन सबसे अच्छे विकल्प का तैयार करते हैं। दूसरा है कि नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है कि सभी स्तरों पर प्लानिंग, चाहे फोरमैन हो सबसे नीचे हो या टॉप लेवल के मैनेजमेंट हो या डायरेक्टर या सीईओ होते हैं, उस लेवल तक हर लेवल में नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा बात बता दें ये समाज के स्तरीय काम में भी, चाहे शादी ब्याह हो या श्राद्ध हो, जो भी काम हो, हर जगह छोटा से बड़ा काम में प्लानिंग का नीड्स होगा ही और प्लानिंग करनी भी चाहिए। नियोजन का क्षेत्र उतना ही अधिक विस्तृत, जैसे बच्चों आपका एग्जाम कब होगा, फरवरी में एग्जाम होगा, डेफिनेट है। तो अभी कौन महीना है, सितंबर है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नहीं तो फरवरी एग्जाम ही बचा, पाँच महीने बचे और लॉकडाउन में आप पढ़ नहीं पाए, तो अभी क्या कीजिए कि कम समय में ज़्यादा अचीव कीजिए और उसको लिखिए। हम जो वीडियो बनाते हैं वीडियो को भी नोट कीजिए, क्लास जो अटेंड करते हैं आके क्लास को भी अटेंड कीजिए, तब जाके आप कम समय में अचीव कर पाएंगे और अपने गोल तक पहुँच पाएंगे। अभी से ही सोच निश्चित कीजिए कि हमको कितना नंबर कितना परसेंट अचीव करना है, उसी के अनुसार अपने स्ट्रेटजी को बनाइए, ठीक है ना। तो क्या देखिए एजुकेशन और पढ़ाई में भी आपको प्लानिंग नीड्स होता ही है, प्लानिंग खोजेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नियोजन निरंतर पर चलने वाली प्रक्रिया, याद रखिए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट जो भी होगा, चाहे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, जो भी है वो कंटिन्यू ही चलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस, भविष्य अज्ञात है, कल क्या होने वाला है यह निश्चित निश्चयात्मक रूप से कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि प्लानिंग का भविष्य के लिए किया जाता है, अतः इसमें निश्चित तौर पे निरंतर इसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है और देख रेख करना पड़ता है। यही कारण है कि प्लानिंग फ्लेक्सिबल होता है, फिक्स नहीं होता है, ताकि उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। प्राथमिक कार्य याद रखिएगा, नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य प्राइमरी वर्क है, फर्स्ट स्टेज है, पूछता है कि प्लानिंग इज ए प्राइमरी वर्क, याद रखिए ये कौन कार्य है, प्राथमिक कार्य है। क्या हो गया गला में, बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है, पहले बताया जिसके पास दिमाग होता है वही प्लान करता है, तो नियोजन का एक मानसिक क्रिया है और यह सृजनात्मक क्रिया है। सृजनात्मक होता है इसके एक्टिविटीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार क्रिएटिविटी भी करते हैं।
तो आइए आप लोग अन्य में चलिए। व्यवहारिक होना नितांत आवश्यक है। समय तत्व पर अधिक ध्यान देता है, यह मार्गदर्शक का काम करता है और नियोजन कार्य कुशलता के आधार पर किया जाता है। निर्णय नियोजन का एक अंग है, अतः निर्णय लेने की तुलना में नियोजन का क्षेत्र भी व्यापक है। तो चलिए इस प्रकार से अन्य हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछे थे, नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग। ये CBSE में क्वेश्चन पूछेगा, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछता है। आइए नियोजन के ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग पे हम लोग बात करते हैं। भावी कार्यों में अनिश्चितता, नियोजन के माध्यम से संस्था की भावी गतिविधियों में अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता का प्रयास किया जाता है। यानी इनडिफिनिट काम नहीं होता है, इसमें डिफिनिट काम किया जाता है ताकि प्लानिंग सक्सेस हो। नंबर सेकंड, विशिष्ट दिशा प्रदान करना। नियोजन द्वारा किसी कार्य विशेष की भावी रूपरेखा बनाकर उसे एक ऐसी विशेष दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है जो कि इसके अभाव में लगभग असंभव होता है। यानी कहता है कि जो अच्छा दिशा हो उसको हम लोग निर्धारित करते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। समय एवं समन्वय की स्थापना, सब साम्य एवं सबसे समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को जोड़ना। तो चूंकि एक बड़ा फर्म में बहुत सारे विभाग होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, तो उसको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लानिंग का भी जोड़ी होता है। यानी कहता है कि जब समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय समझ गया, एक दूसरे से बात करना। जैसे किसी दिन आपका क्लास छूट जाता है तो क्या होता है, अपने कोई जानकार जो जानने वाले उसको नहीं कहते, कॉपी लाओ तो थोड़ा सा लिखते हैं। प्रबंध के में मितव्ययता, प्रबंध जो प्लानिंग होता है वो खर्चीला नहीं है, उसके लिए आपको इकोनॉमी बनाना है। कहता उपकरण की भावी गतिविधियों की योजना के बन जाने के प्रबंध का ध्यान उसे क्रियान्वित करने की ओर केंद्रित किया जाता है और इसमें मितव्ययता का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान लगाना, उस इम्पोर्टेंस में भी इसमें भी यानी फोरकास्टिंग बेस्ड होता है। आगे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जो उसका ऑब्जेक्ट या गोल डिफिनिट होता है उसके लिए प्रयास करता है, उसके लिए काम करता है। आगे प्रतिस्पर्धा के ऊपर विजय बना। देखिए आजकल गलाकाट प्रतियोगिता है, हर जगह कंपटीशन का दौर है। तो कहता है क्वेश्चन में, दाव पेचपूर्ण नियोजन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में विजय पाने में सहायक सिद्ध होते हैं। कुशलता में वृद्धि करना, नियोजन का एक मूलभूत उद्देश्य उपकरण की कुशलता को बढ़ाना है, स्किल्ड उपकरण को बना देता है नहीं। भावी जोखिम की कमी होता है, क्योंकि आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग जोखिम को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, अतः इसमें होगा क्या कि जोखिम की मात्रा को धीरे धीरे क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। चलिए तो उम्मीद है कि आप इतना तक ये ऑब्जेक्ट को आप लोग समझ गए होंगेगा नहीं। ऑब्जेक्ट के बाद आइए हम इसके महत्व की बात करते हैं, इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। स्वाभाविक है अगर ये प्राइमरी वर्क है और इसको भुलाया नहीं जा सकता तो ये महत्वपूर्ण कुछ है तब तो याद करेंगे। तो इसका कहा जाता है कि नियोजन का महत्व के बारे में कहता है। महत्व के बारे में पहले यह समझ लीजिए कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, बिना कॉपी कलम के आपको स्कूल भेज दिया जाए, किसी को बिना गन के हथियार के सीमा की रक्षा करने के लिए हमारा सरकार भेज दे, सोचिए उसके साथ क्या हो, नहीं दोनों स्थिति में मारा जाएगा। तो कहता है कि जिस प्रकार बिना हथियार के सैनिक, बिना अध्ययन के शिक्षक और बिना पतवार के नाविक, बिना कलम के लेखक, ठीक उसी प्रकार से बिना योजना के व्यवसायी, इनका पतन निश्चित है। जॉर्ज अटेरी ने कहा है कि सफल प्रबंधक दृष्टिहीन समस्याओं का सामना करते हैं, जबकि असफल प्रबंधक दृष्टिहीन समस्याओं के साथ संघर्ष करते हैं। देखिए समस्याओं के साथ संघर्ष नहीं, समस्याओं से बचने और निजात पाने के उपाय खोजना ही नियोजन का काम है। नहीं आपको पता है कि उधर से जाएंगे पानी में डूब जाएंगे, क्या जरूरी है जाके डूबना, नहीं हमारा कॉमर्स ये नहीं सिखाता है। हम दूसरे गलती को देखते हैं और सचेत होते हैं और हम अपने लिए एक मतलब सुरक्षित मार्ग तलाश करते हैं। ऐसा नहीं कि डूब के देखते हैं कितना पानी है, ये कर लिए तो फिर बेवकूफ़ है। व्यवसाय का स्ट्रेटजी बना, आप कॉमर्स पढ़ते हैं, आपको बिजनेस पर पैना पर नज़र रखना है। मैंने क्या बताया कि जहाँ भी 5 रुपये का अंतर हो और क्वालिटी समान हो दुकान को बदल दो। आगे इसका महत्व आइए पहले महत्व पर बात करते हैं। इसे कुछ महत्व जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको आगे इस क्वेश्चन डील करने में दिक्कत नहीं हो, और इसका सीमाएँ पढ़ा देंगे तो चैप्टर से क्वेश्चन मैक्सिमम धरा जाएगा। क्वेश्चन है भावी अनिश्चितता तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए, यानी टू फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड चेंज। कहता यदि भविष्य निश्चित होता तथा उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होती तो नियोजन की आवश्यकता ही नहीं होता। भविष्य निश्चित है क्या, नहीं, हम घर से निकले कहाँ गिर जाए कौन जानता। एक बार कार्य प्रणाली निश्चित करने के पश्चात सदा उस पर चलना चला जा सकता था, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है,
भविष्य सदैव बदलते रहता है, हमेशा कंटिन्यूटली एक साथ नहीं होता। इसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबल प्लान बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन के चांस रखेंगे। नहीं तो नियोजन संस्थाओं को परिवर्तनों का सामना करने और उसे सुधार करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। पहला समझ गए। नंबर दो, संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए, टू फोकस अटेंशन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। देखिए जो शक्ति ऑर्गेनाइजेशन में है वो शक्ति तन्हाई में नहीं है, संगठन मिलकर जितना बड़ा से बड़ा काम कर सकता है उतना अकेले नहीं कर सकता है। नहीं जैसे चूंकि नियोजन व्यवसायिक उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, अतः नियोजन करने का अर्थ होता है लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना। परिणाम स्वरूप उपक्रम का प्रत्येक विभाग, अधिकारियों एवं कर्मचारी सदैव उपक्रम के लक्ष्यों के प्रति जागरूक एवं सजग रहता है तथा उन्हें प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग की नीतियाँ, विधियों, कार्यक्रमों तथा मोर्चाबंदी आदि को अन्य विभागों का प्रतिद्वंदी न बनकर उसको अपना पूरक बनाता है और उसके साथ मिलकर काम करता है। अगर आप एक कंपनी में हैं, एक कंपनी में सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है वगैरह, तो इसको ये आपका कंपटीटर थोड़ी है, तो आपको अपने रेस में आगे थोड़ी निकलना है, सबको लेकर साथ निकलना है। नहीं आगे तीन नंबर में रखेंगे, कहता है एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। पहले बताया ना कि हर डिपार्टमेंट क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट करना है। नहीं करना उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं संपन्न की जाती है, इन क्रियाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना होगा, यानी कोऑर्डिनेट करना होगा। बढ़िया समझ ली, समन्वय का मतलब क्या होता है, बातचीत तारतम्य स्थापित करना, ठीक है ना, अच्छा माहौल बनाना लोगों के बीच, ठीक है, जिससे कि आपको काम चल सके। ऐसा करने से क्या होता है कि एक काम एक ही बार में हो जाता है, उसको बार बार दोहराना आपको नहीं पड़ेगा, यानी रिपीटेशन ऑफ वर्क से आप बचेंगे और सुधार की भी जरूरत कम पड़ेगा, ज़्यादा सुधार भी नहीं करें। जैसे हम नया नया पहले वीडियो बनाते थे दिक्कत हो जाता था, आवाज़ कम ज़्यादा वगैरह, अब देखिए एक ही बार में सारा वीडियो मैं बना देता हूँ, चाहे जितना बड़ा बनाना हो, एक हैबिटेट हो जाता। तो नेक्स्ट है उतावले निर्णय पर रोक लगाने के लिए। उतावले निर्णय का मतलब होता है जो हड़बड़ी में जो डिसीजन ले लेते हैं तो वो क्या होता है, हारमोनी होता है, आपके लिए कष्टदायक हो, वही कहता है कि अटकलबाजियों को समाप्त करता है, यानी परफेक्टनेस आएगा। जब परफेक्टनेस डिसीजन होगा तो परफेक्ट प्रॉफिट भी होगा, ये उतावले निर्णय को रोक लगाती है। नंबर पाँच, क्रियाओं में मितवैयता लाने के लिए, इसे काम में मितवैयता मतलब होता है इकोनॉमी, यानी आपको खर्च को कम करता है। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन में, काम में से श्रेष्ठ का चयन करते हैं, विभिन्न कार्यों से तात्पर्य तारतम्यता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, समस्त निर्णय पर्याप्त विचार विनिमय एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है और अनिश्चितताओं को अस्थिरता को कम किया जाता है, अतः यह क्या है, यह मितवैयता लाने के लिए एक बेहतर काम है। नेक्स्ट है संगठन को प्रभावी बनाने के लिए, देखिए टू मेक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। देखिए संगठन तो बहुत सारे होते हैं, लोग याद किसको रहता है, जो सही दिशा में सही काम करके जाता है। नहीं कहता है नियोजन संगठन को प्रभावी बनाता है और वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए लगने वाली अनिश्चितता, देरी और लाल फीताशाही को समाप्त करता है। यहाँ याद रखो मेरे बच्चा, लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है, मतलब जी हुजूरी समझते हो ना, मैट्रिक एग्जाम दिया हुआ एक होता है फलाएंगे लाल कपड़े इधर बांधने डायरी ले ले, जिसको हिंदी में अर्दली कहते हैं असिस्टेंट को, तो ये सब फीताशाही को जी हुजूरी को गुलामी को कम करता है, उस पर ध्यान नहीं लगाता है। नेक्स्ट उपलब्ध साधनों में सिस्टम का उपयोग के लिए करना, जो भी उसके पास रिसोर्सेस है उसमें देखता है कि सबसे अच्छा मेरे प्लान के लिए श्रेष्ठ कौन है और वो उसी का चुनाव करता है, दूसरे का चुनाव नहीं करता है। मनोबल और प्रेरणा में वृद्धि, यह किसी को हताहत नहीं करता, हताश नहीं करता है, बल्कि जो कर्मचारी थोड़ा स्किल में कम भी होते हैं उसको भी प्रशिक्षण देकर अच्छे से अच्छे काम करने के लिए उसे तैयार करता है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो हमेशा अपने स्टाफ को तत्पर रखता है। आगे नियंत्रण और सुविधाजनक बनाने के लिए, नहीं कहता है क्वेश्चन में हमेशा जो है इसको कंट्रोल भी रखना चाहिए, जो प्लानिंग आप बनाते हैं प्लानिंग पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो प्लान बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मैं अगर पढ़ने के लिए बच्चों को 6 बजे बुलाता हूँ तो मुझे उतने बजे रेडी होना होगा, अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा किसी को बुलाने से नहीं बुलाने से वगैरह। अन्य लाभ इसका जो है विशेषता है वो नियोजन नवाचार एवं सृजनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहित करता है। नवाचार मतलब नया विचार, इनोवेशन जिसको कहते हैं, नियोजन विकास
एवं सुधार में सहायक है या डेवलपमेंट करता है विकास में और उसको एफिशिएंसी पूर्वक सुधार भी करता है। नियोजन कुशल संदेश वाहन का कार्य करता है, वो अच्छा कम्युनिकेशन का कार्य करता है। नियोजन अधिकारियों में प्रत्यायोजन में सहायता करता है, अधिकार सोपान में वो मदद करता है। आइए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बताते हैं। यह क्वेश्चन मैंने चर्चा भी किया था कि लिमिटेशन जरूर समझिएगा, इंपॉर्टेंस लिमिटेशन एंड फीचर में कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा जाता है। तो आइए प्लानिंग के लिमिटेशन के बारे में कहते हैं। जब इंसान है, आदमी है, आप जब वर्ल्ड यहाँ दुनिया में आए हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, प्रभु ने आपकी रचना श्रेष्ठ की है, मगर कोई ना कोई गलती करेंगे ही करेंगे। नहीं गलती करेंगे तो आप भी पुरुषोत्तम राम हो जाएंगे ना, ठीक है। गलती हर दुनिया में जो पैदा हुआ है कुछ ना कुछ एरर करके ही जाएगा, नहीं। और हम लोग तो एरर सब दिन करते हैं, नहीं। तो आइए इसके प्लानिंग के एरर्स के बारे में सोचिए। प्लानिंग के एरर में पहले कहता है भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। आइए पहला विशेषता जो लिमिटेशन जो हम बात किए थे, जैसे भावी परिस्थिति में अनिश्चितता का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर जो है ना सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन होता है। तो उसी के अनुसार अगर हम अपना प्लान को करते हैं तो हो सकता है कि लाभ के जगह पे हानि भी हो जाए, नहीं। तो फ्यूचर जैसे कि हम ही लोग लोन ले लिए कि इतना इनकम हुआ एडजस्ट कर लेंगे, अब कोरोना हुआ इनकम जीरो हो गया, अब बताइए प्लान कहाँ गया, नहीं। तो ऐसा होता है, इसका मतलब नहीं कि प्लान नहीं करें, जिंदगी है प्लान करना होगा भाई। नंबर सेकेंड है समय एवं धन का अपव्यय। इनका कहना है कि प्लान चूंकि अनसर्टेन है, तो प्लान अनसर्टेन है यानी जो पॉजिटिव आपका सोच है कहीं रिजल्ट अगर निगेटिव आ गया तो उसके पीछे जो आपने टाइम लगाया है, मनी लगाया है, सब तो वेस्टेज हो जाएगा, नहीं। इसीलिए ने कहा कि नियोजन पर धन का जो समय दोनों जो लगाना ये दोनों बर्बादी है, इसको नहीं करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलिए आप जो सोचिएगा पढ़ लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, अपने शब्दों में सोचिए। नंबर तीन है सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। इनका कहना है कि चूंकि एक समय में हमको किसी एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स आ जाते हैं, उसमें कौन सुपीरियर है कौन बढ़िया है इसके चुनाव करने में थोड़ा सा कठिनाई आ जाता है। आगे है विश्वासयुक्त तथ्यों एवं सूचनाओं के उपलब्ध में कठिनाई। कहता है नियोजन में की सफलता तथ्य एवं सूचनाओं पर निर्भर करता है, और जो तथ्य आपको उपलब्ध कराए जाते हैं यह विश्वास करने लायक है कि नहीं। अगर कोई आंकड़ा ही गलत दे दे तो बताइए उसका परिणाम अच्छा कहाँ से होगा, उस पर दिक्कत है। पर्याप्त लोच का अभाव। कहता है क्वेश्चन में कि नियोजन प्लानिंग जो बड़े बड़े फर्म बना देते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को लोच को नहीं रखते हैं, तो जब पर्याप्त लोच का अभाव होता है तो निर्णय जो है ना वो ठीक नहीं हो पाता, समझे। यानी नियोजन जितना अधिक विस्तृत होगा उसमें उतनी अधिक लोचहीनता होगी, जितना बड़ा प्लानिंग होगा उसमें लूपहोल्स बहुत कम होगा, यानी तो परिवर्तन के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी जो बिजनेसमैन होते हैं उनको लाभ की जगह पे हानियां भी हो जाती हैं। अरुचिकर, चूँकि कहता है क्वेश्चन में देखा जाए तो योजना बनाना ही एक अरुचिकर कार्य है, कभी कभी अरुचिकर कार्य होने के कारण ही योजना असफल होता है। एलन ने कहा है कि कभी कभी कठिन एवं अरुचिकर कार्यों के कारण नियोजन असफल हो जाता है। पहलपन में कमी, लोग बार बार एक ही तरह काम करते करते इरिटेट हो जाता है, जिसके कारण वो नियम और उसके संचालन में आलस बरतते हैं, जिसके कारण उसको हानि होती है। अब हम लोग चलते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी योजनाओं में के निर्णय एवं उसके क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न करती है। उसमें से प्रमुख बाधा यह है कि अधिकांश व्यक्ति की तरह अधिशास्त्री भी भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक महत्व देता है। देखिए लोग ये जो पॉइंट है आप तो बता रहे हैं, मगर तो प्रजेंट को भी देखता है प्लानिंग और फ्यूचर को भी देखता है, नहीं पास्ट सीख लेता है तो उसी के अनुसार प्लान होता है। तो कहता है कि यह मनोवैज्ञानिक का जो है वो बौद्धिक सबका समान नहीं होता है, तो असमान बौद्धिक लगने के कारण यह फेल हो जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नियोजन की जो सीमाएँ हैं अपनी गुण से यानी विशेषता से कम है। हर कार्य में कुछ ना कुछ विशेषताएँ और अवगुण जरूर होते हैं, अतः हम विशेषताओं का अध्ययन करते समय यह पाते हैं कि नियोजन का जो लिमिटेशन या सीमाएं हैं वो विशेषताएं से कम है। अतः हर एक व्यवसायी को प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, उनको प्लानिंग से नहीं घबराना चाहिए।
क्वेश्चन कभी आएगा क्या अच्छी योजना खर्चीली होती है, नहीं तो योजना में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे खर्चीली योजना नहीं होती है। एक क्वेश्चन दो चार लिख लीजिए जो आई एक और बता दें आपको थोड़ा सा, ये इतनी लंबी चैप्टर है कि हमको मन ही नहीं कर रहा, अभी छोड़ेंगे ना तो आधा ही चैप्टर आ जाएगा, क्या बताऊँ क्या छोड़ूँ क्या कैसे करूँ मैं, चूँकि एक वीडियो में चाहता हूँ एक चैप्टर एक ही वीडियो में एडजस्ट करूँ, इसीलिए थोड़ा सा 5 मिनट और समय दीजिए। नियोजन जो है टाइप ऑफ प्लानिंग, टाइप ऑफ प्लानिंग में कहता है कि स्ट्रेटजी बनाते समय पहला नंबर क्या क्या देना चाहिए, नहीं पहला नंबर पहले देखिए कि हमको किस टाइप का प्लान बनाना है, शॉर्ट पीरियड मिडिल पीरियड या लॉन्ग पीरियड। जब ऐसे प्लानिंग बनाएंगे तो इसमें हमको लोन्स वगैरह ओवरड्राफ्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर्कर्स सबका स्ट्रेटजी अलग अलग बनाना पड़ता है, नहीं यानी फिजिकल प्लानिंग कर रहे हैं, फंक्शनल प्लानिंग कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर रहे हैं, जनरल कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग कर रहे हैं, जॉन जी ग्लोबल का है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है आपका, ऑपरेटिंग प्लानिंग है या प्रोजेक्ट का प्लानिंग है, सबका अलग अलग है। तो पहला होता है समय के आधार पर, स्तर के आधार पर, आंतरिक और बाहरी काम के आधार पर, उद्योग के आधार पर इत्यादि, लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड। जैसे आइए समय के आधार पर, समय के आधार पर बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि हम जिसका प्लान कर रहे हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए यानी अल्प समय के लिए है या लॉन्ग पीरियड लंबे समय के लिए है। तो अल्पकालीन योजना से ऐसा है, छोटी अवधि की योजना से, अधिकालीन के लिए लंबी योजना से। तो लंबी योजना मतलब कैसा, 10 साल 15 साल इसको लंबी योजना की श्रेणी हम लोग लाते हैं यानी 5 वर्ष या उससे ऊपर, समझ गए। दूसरा योजना में कहता है लेवल बेसिस यानी स्तर के आधार पर, यानी उच्च स्तरीय मध्य स्तरीय निम्न स्तरीय। एक्चुअली उच्च स्तरीय में कौन होता है, टॉप लेवल में जनरल मैनेजर CEO होता है, तो उनके लिए प्लान होता है तो उसके अंदर संपूर्ण उपकरण के सामान्य नीति उद्देश्य लक्ष्य बाजार आदि को ध्यान में रखना है। अच्छा मध्य स्तर का जो प्लान होगा तो मध्य स्तर का क्या होता है, लक्ष्यों को पूर्ति करने की संभावना इसमें होती है। और जो निम्न स्तर के लोग होता है पर्यवेक्षक कर्मचारी होता है, तो क्रियाओं से संबंधित एक्टिविटी करते हैं या करवाते हैं। आंतरिक और बाहरी इंटरनल में एक्सटर्नल में देखिए, कहते हैं आंतरिक योजना से ऐसे उपकरण के अंदर, एक्सटर्नल माने उपकरण के बाहर। तो अगर प्रोडक्शन नेचर का फर्म होगा तो जो प्रोडक्शन करेगा उत्पादन करेगा उसका इंटरनल आएगा, और जो मार्केट में लेके माल उतरेगा वो कहाँ हो जाएगा, एक्सटर्नल में हो जाएगा, ठीक है। आगे है उपयोग के आधार पर, उपयोग मतलब संस्था के उद्देश्य नीति कार्यविधि नियम मोर्चाबंदी आदि सारे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आप लोग पढ़िएगा। सिंगल यूज प्लान एकल उपयोग प्लान का मतलब होता है कि तत्कालीन उपयोग के लिए बनाई जाती है और जैसे उस वक्त विशेष परिस्थिति का समाधान हो जाता है वह योजना को लोग हटा देता है, फिर नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट योजना बनता है, ठीक है। तो यह पॉइंट आपको हो गया। अब आप कुछ इस क्वेश्चन में मोर्चाबंदी सब समझते हैं, मोर्चाबंदी क्या होता है, मोर्चाबंदी कहता है मोर्चाबंदी कुछ विशेषताएँ हैं। मोर्चाबंदी एक व्यापक नीति योजना है, मोर्चाबंदी एक व्याख्यात्मक नीति है जिसमें प्रत्येक क्रिया एक स्पष्ट लक्ष्य को प्रेरित करती है तथा प्रत्येक स्तर मार्गदर्शन करती है। इस साल के लिए आपको इतना पर्याप्त है पढ़ना, मोर्चाबंदी व्यूहरचना नहीं पढ़िएगा आप लोग, ये नहीं पूछिए क्वेश्चन। कार्य के आधार पर लिखिए क्वेश्चन, नीति और नियम में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए नीति और नियम में क्या अंतर है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल्स, एक दो हम बता देते हैं देख लीजिए। अर्थ नीति सियासत उन दिशा निर्देशों से है जो संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं, क्या कहा, नीति सियासत उन दिशा निर्देशों से है जो संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों यानी उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या कहते हैं आपको, योगदान करता है, नहीं चलिए किसमें हुआ, नीति में हुआ। और नियम में क्या, नियम विशेष विवरण होते हैं जिसके अनुसार ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। कथन एवं प्रकृति, नीति सामान्य कथन है और नियम एक विशेष कथन है। निर्णय की स्वतंत्रता अंतर के आधार में है, नीति में कहता है नीति में कुछ सीमाओं के अंतर्गत निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है जबकि नियम में निर्णय लेने की स्वतंत्रता का अभाव होता है, दूसरे को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए नीति और नियम में क्या अंतर है, ये पूरा लिख लेंगे, 5 पॉइंट है। लोच में देखिएगा, नीति में लोच होता है, नियम में लोच नहीं होता, कारण कि नियम आप नहीं बनाते, नीति आप स्वयं बनाते, तो नियम कोई और बना के देते हैं, लोच का अभाव होता है। विवेकशील कहता है नीति विवेकशील होती है जिसमें निष्पादन में विवेक के उपयोग का अवसर मिलता है और नियम में विवेक का अवसर नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, पद्धति और बजट पूछेगा नहीं, उद्देश्य और नीति पूछेगा नहीं, नीति और नियम, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उद्देश्य और नीति को लिखिए, ये फेयर कॉपी भरने के लिए हो गया, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं।
तो क्वेश्चन क्या हुआ, निरंतर नियोजन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया याद रखना है, नियोजन एक प्राथमिक कार्य है इसको याद रखना है, और क्वेश्चन लिख लीजिए नीति और नियम में क्या अंतर है, नियोजन की सीमाएं लिखिए, राइट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, पहले ही बोल चुके थे, छह विशेषता लिखिए, विशेषता बोल ही दिए, जितना विशेषता होगा अपने से आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस इसका जोर लिखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस जोर लिखना है। एक क्वेश्चन है, नियोजन से आशय आगे देखना है कैसे, प्लानिंग मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग एक्सप्लेन, लिख लीजिए भी क्वेश्चन, नियोजन से आशय आगे देखना है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अब ये लेसन 4 कंप्लीट हो गया, इसमें 10% तक का हम छोड़ दिए हैं, आपको क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट अब 5 मिलेगा, देखिए जरूर से जरूर देखिए, लोगों को देखिए और शेयर भी कीजिए, और अगर कोई गड़बड़ी हो, कोई अच्छा बात है, जरूर कमेंट कीजिए, इससे हमको भी लगता है कि बनाना चाहिए। थैंक यू आज के।